हेलो नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस पी चौधरी नर्सिंग ऑफिसर। फ्रेंड्स, आज अपन लेके आ गए हैं सीआरपीएफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का 20 नंबर का वीडियो। तो इससे पहले आपने अगर 19 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जो है आप इस वीडियो के आई बटन के अंदर जाके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आपको ऑल ओवर जो वीडियोज़ हैं उनके सब के लिंक है, स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियोस को देख सकते हो ताकि आपको है सीआरपीएफ का एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं उनका पता चल सके, वो भी नर्सिंग के। अगर आपको नर्सिंग के अलावा सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, जीके है, इन्हीं के भी आपको प्रिपरेशन करनी है सीआरपीएफ के लिए, तो अपना एक सेकेंड चैनल है एचपी मैथ रीजनिंग जीके के नाम से, तो उनको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर करंट अफेयर के जो जीके के क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे, मैथ रीजनिंग के विथ ट्रिक है, अपने सीआरपीएफ एग्जाम जो है इसके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बिल्कुल वहां पे आपको वीडियो मिलेंगे। तो आप वहां पे नर्सिंग के अलावा प्रिपरेशन कर सकते हो उस यूट्यूब चैनल के ऊपर, और ये अपना चैनल है, ये ओनली फॉर नर्सिंग प्रिपरेशन के लिए है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम खराब करे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और बात बता देते हैं कि कल 1 अगस्त से है अपने लाइव क्लास स्टार्ट कर दी है, जिसके अंदर 1 तारीख को जो लाइव क्लास थी वो 1 घंटे 35 मिनट की रही थी, जिसके अंदर है अपने सीआरपीएफ के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को विथ रेशनल इमेजेस वालों को इमेज अपने डिस्कशन किया था। अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखा है, काफ़ी लेंथी वीडियो है, 1 घंटे 35 मिनट का वीडियो है, तो वो भी वीडियो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स, हमारे साथ फर्स्ट लेकर एंड तक आपको जुड़े रहना है, क्योंकि यहां पे लेटेस्ट जो वैकेंसी आती है उनकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है, और जो एग्जाम जो आता है उसके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी यहां पे जो है करवाई जाती है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम खराब करे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसका प्रीवियस वीडियो यानी कल का जो वीडियो रखा था अपन ने, उसके क्वेश्चन ऑफ द डे का जो क्वेश्चन था उसके राइट आंसर की बात करेंगे पहले, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन था कॉप्लिक स्पॉट आर क्लिनिकल फीचर्स ऑफ। फ्रेंड्स, कॉप्लिक स्पॉट है ये किसका क्लिनिकल फीचर्स होता है? ऑप्शन ए है जर्मन मिजल्स, ऑप्शन बी है पर्टुसिस, ऑप्शन सी है चिकन पॉक्स और ऑप्शन डी है रूबियोला। तो फ्रेंड्स, कॉप्लिक स्पॉट है अपने को पता है किसके अंदर देखने को मिलता है, मिजल्स के अंदर। ये फ्रेंड्स मिजल्स के अंदर देखने को मिलता है, तो यहाँ मिजल्स का ऑप्शन तो ये है, इसके आगे जर्मन लगा दिया है, तो जर्मन मिजल्स है ये बिल्कुल से नहीं होगा। मिजल्स को बोलते हैं रूबियोला, रूबियोला बोलते हैं मिजल्स को, तो यहाँ राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, इसको ही मिजल्स बोलते हैं, रूबियोला को ही। ओके, और जर्मन मिजल्स है इसको क्या बोलते हैं, मार्प्स बोलते हैं फ्रेंड्स इसको, इसको रूबेला बोलते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं रूबेला, जर्मन मिजल्स को रूबेला बोलते हैं और रूबियोला को मिजल्स बोलते हैं, तो यहाँ राइट आंसर जाता है रूबियोला, क्योंकि रूबियोला के अंदर है कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है। रूबियोला बोलो या मिजल्स बोलो, एक ही बात रहती है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के फर्स्ट इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन से अपन स्टार्ट कर लेते हैं विथ रेशनल एक्सप्लेनेशन के साथ में, जितना हो सके यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको बोर बिल्कुल नहीं होना है कि सर क्या घासी काट रहे हो। फ्रेंड्स, जो भी होगा पढ़ाई से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा ही, अदर जो है अपन बात कुछ कर नहीं रहे। ओके, तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ए क्लाइंट विथ क्रॉनिक हाइपोक्सिया द नर्सिंग ऑफिसर फर्स्ट असेस। फ्रेंड्स, एक चाइल्ड है जो कि हाइपोक्सिया से है, क्रॉनिक टाइम से हाइपोक्सिया की कंडीशन के अंदर है, तो नर्सिंग ऑफिसर सबसे पहले क्या असेस करेगा? फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने को ये ध्यान रखना है क्रॉनिक है या एक्यूट है, इस पर डिपेंड करेगा ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए है डिक्रीज आरबीसी काउंट, ऑप्शन बी है क्लबिंग ऑफ फिंगर, ऑप्शन सी है फ्लूड इंटेक, और ऑप्शन डी है SpO2 मोर देन 19%। तो फ्रेंड्स, क्रॉनिक टाइम से अगर हाइपोक्सिया है तो क्लम्बिंग ऑफ फिंगर यहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर क्रॉनिक टाइम से है। अगर एक्यूट हाइपोक्सिया है या सडन हाइपोक्सिया या डायरेक्ट ऐसे दे रखा है एक चाइल्ड विथ हाइपोक्सिया, तो क्लम्बिंग ऑफ फिंगर वहाँ पे आंसर बिल्कुल से नहीं जाएगा। ओके, उस टाइम अपन है इसके ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल से यह मैच नहीं कर रहा। अगर फिर भी अपन करना चाहें तो आरबीसी काउंट है, इसको भी की जगह HB होता तो HB अपन कर सकते थे, क्योंकि HB के कम होने की वजह से प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो सप्लाई नहीं हो पाता। ओके, तो क्रॉनिक दे रखा है इसलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड की। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर विलम्स ट्यूमर एक्सेप्ट वन।
फ्रेंड्स विलम्स ट्यूमर होता है ये क्या होता है, पहले तो ये देख लेते हैं कि विलम्स ट्यूमर होता क्या है, उसके बाद इसकी सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। ये क्या होता है फ्रेंड्स, किडनी की कैंसरियस ट्यूमर होती है, किडनी की ट्यूमर होती है, कैंसरियस होती है और मोस्टली बच्चों के अंदर पाई जाती है। वो भी कब तक पाई जाती है, लेस देन 5 ईयर्स, 5 साल के बच्चे होते हैं उससे पहले पहले मोस्टली ये पाई जाती है। मोर देन 5 ईयर जो चाइल्ड होते हैं उसके अंदर है, रेयरली ये देखने को मिलता है। ओके, अब बात करते हैं कि इसको और किस नाम से जानते हैं, तो विलम्स ट्यूमर है, इसको एक अदर नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं नेफ्रोब्लास्टोमा। नेफ्रोब्लास्टोमा के नाम से जानते हैं, नेफ्रो यानी किडनी, ब्लास्टोमा यानी ब्लास्ट या फिर कैंसरियस सेल का एक्यूमुलेशन हो चुका है, वहां पे ट्यूमर बन चुकी है, उसको नेफ्रोब्लास्टोमा भी बोलते हैं या विलम्स ट्यूमर बोल दो, जो कि किडनी की कैंसर होती है और बच्चों में मोस्टली देखने को मिलती है बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज। ओके, तो यहाँ पे विलम्स ट्यूमर के डायग्नोसिस के लिए सब क्राइटेरियाज यूज में लेते हैं, एक को छोड़ के एक्सेप्ट का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। मैं भी फ्रेंड्स जब भी क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं एक्सेप्ट के क्वेश्चन, एक्सपेक्ट, फॉल्स, ट्रू, नॉट, ये क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं तो पूरा क्वेश्चन का वे चेंज हो जाता है, आपको इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना होता है। ओके, तो इस वीडियोस इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है एक्सेप्ट, तो आपको एक को छोड़ के ऐसे फाइंड करना है कि ये डायग्नोसिस है विलम्स ट्यूमर के अंदर, अपन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं विलम्स ट्यूमर इसको है कि नहीं है। ऑप्शन ए है एब्डोमिनल सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी, और ऑप्शन बी है एब्डोमिनल MRI, और ऑप्शन सी है एब्डोमिनल USG, और ऑप्शन डी है रीनल बायोप्सी। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको कन्फ्यूज बिल्कुल से नहीं होना है, मैंने ये बोल दिया है कि विलम्स ट्यूमर है, किडनी का ट्यूमर है, तो आप कहीं ऐसा ना कर दो कि रीनल बायोप्सी होगा, क्योंकि रीनल बायोप्सी से अपने को ये भी पता है कि रीनल बायोप्सी होता है एकमात्र ऐसा जो है बायोप्सी, एकमात्र ऐसी जो डायग्नोसिस है जिससे अपन है कंफर्म कर सकते हैं कि कौन से टाइप्स का ट्यूमर है, कौन से स्टेजेस है, सब कुछ बायोप्सी से पता करते हैं। तो आप ऐसे नहीं सोचना है इस क्वेश्चन के अंदर कि रीनल बायोप्सी दे रखा है तो यही राइट आंसर जाएगा, क्योंकि कैंसर भी है तो कैंसर के अंदर बायोप्सी मोस्टली कंफर्मेशन के लिए यूज में लेते ही है, और यहाँ रीनल का भी है। तो फ्रेंड्स यहाँ एक्सेप्ट दे रखा है, एक्सेप्ट के अंदर ये जाएगा आपका विलम्स ट्यूमर है, इसके अंदर जो रीनल बायोप्सी नहीं करते बिल्कुल से, और एक एब्डोमिनल मसाज नहीं करते, बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है विलम्स ट्यूमर के अंदर। अगर एब्डोमिनल मसाज किया तो है आपको बहुत सारी लिथल कंडीशन है, हिमेचोरिया देखने को मिल सकता है, और भी एब्डोमिनल क्रैम्पिंग पेन देखने को मिल सकता है विलम्स ट्यूमर के अंदर। एब्डोमिनल पाल्पेशन भी जो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उस टाइम बिल्कुल से कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, अवॉइड किया जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है पाल्पेशन या परकशन जो करते हैं वो इसके अंदर। ओके, तो इसके अंदर एक्सेप्ट के अंदर दे रखा है कि विलम्स ट्यूमर के अंदर कौन सा डायग्नोसिस नहीं करेंगे, तो रीनल बायोप्सी इसके अंदर बिल्कुल से कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। इस चीज का अगर फाइंड आउट करना है तो अपना को सीटी स्कैन है, MRI है, USG को पहले परफॉर्म की जाती है। ओके, चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। Which IUCD intrauterine contraceptive device, IUCD की फुल फॉर्म होती है intrauterine contraceptive device, need to be replaced only after 10 years, कौन सा ऐसा contraceptive method है जो कि 10 साल के बाद में replace किया जाता है, यानी अगेन लगाया जाता है, दोबारा लगाया जाता है। ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन ए है कॉपर T200, ऑप्शन बी है कॉपर T380A, और ऑप्शन सी है प्रोजेस्ट्रेट, और ऑप्शन डी है नोवाटी। तो यहां अगर राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो वो जाता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स कॉपर T380A होता है, ये मोस्टली 10 साल तक वर्क करता है, अगर ये कॉपर टी लगा देती है तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है अपना 10 इयर्स तक इफेक्टिव रहता है, उसके बाद इसको है रिप्लेस किया जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स इसके जो 380A है ये ए साइज होता है फ्रेंड्स इसका, जिसका ए जो है ये साइज बोलते हैं इसको ए को, और 380 है ये स्क्वायर MM सरफेस एरिया होता है कॉपर की, जो वायर होती है टी होते है अपनी बनी हुई उसके ऊपर जो कॉपर की वायर बनी होती है
उसका स्क्वायर एमएम के अंदर जो एरिया है वो 380 स्क्वायर एमएम एरिया जो है कॉपर कवर करता है इस टी को, वो है ये, और टी इसका सेफ होता है और 380 है इसका एरिया होता है, 380 स्क्वायर एमएम के ऊपर कॉपर लगा होता है, और ए इसका साइज होता है, ए बी सी ये साइज होता है फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू फीमेल जो बॉडी फिजिक्स है उसके अकॉर्डिंग इसके जो साइज को है यूज में लिया जाता है। ओके, तो ये जो है ऐसे करके कॉपर लगा होता है इस पे, ये कॉपर का जो है डायमीटर है बोल सकते हैं, कॉपर कितना लगा हुआ है वो इसको अपन बोल सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं 200 जो है कॉपर टी ये कितने साल तक इफेक्टिव है, ये 3 इयर्स तक इफेक्टिव रहने वाली है फ्रेंड्स, और ये है ये 10 इयर्स तक इफेक्टिव रहती है। ओके, अब बात करते हैं प्रोजेस्ट्रेट है ये क्या है, ये फ्रेंड्स प्रोजेस्ट्रेन है, ये क्या है प्रोजेस्टिन IUD है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है जिसके अंदर क्या करते हैं ल्यूनोजेस्ट्रोल हार्मोन यूट्रस के अंदर सीक्रेट करता रहता है, अगर इसको अपन लगा देंगे तो ल्यूनोजेस्ट्रोल जो हार्मोन होता है ये यूट्रस के अंदर सीक्रेट करवाता है जिसकी वजह से है अपने को कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिव जो मेथड होता है वो इसके अंदर जो मिलता है, और इसको अपन एक दूसरे नाम से भी जानते हैं प्रोजेस्ट्रेट है, इसको फ्रेंड्स माइरेना नाम से भी जानते हैं, माइरेना नाम आपने सुना होगा MIRENA, माइरेना नाम से प्रोजेस्टेट को जानते हैं जो कि कंपनी नेम से है, माइरेना जो है ब्रांड नेम से इसका है ये आता है। ओके, अब बात करते हैं नोवा टी क्या है, ये है फ्रेंड्स इंट्रा यूट्राइन डिवाइस ही है, कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में यूज में लेते हैं, ये क्या है प्लास्टिक का बना होता है फ्रेंड्स, प्लास्टिक का बना होता है, वो प्लास्टिक होता है, वो होता है पॉलीइथाइलीन होता है, वो पॉलीइथाइलीन जो प्लास्टिक होता है उसका नोवा टी बना हुआ होता है। तो यहाँ पे आशा करते हैं आपको पूरी डिटेल समझ आ गई होगी, पहले तो फ्रेंड्स ये छोटी छोटी चीज़ें हैं इसका स्पेशली ध्यान रखना होता है, टी इसका सेफ है, ये इतने स्क्वायर एमएम पे इसका कॉपर लगा हुआ है, और ए बी सी ये इनका साइज होता है, तो 10 साल तक इफेक्टिव होता है, उसके बाद रिप्लेस करना होता है कॉपर टी 380A को, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कॉज पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस, फ्रेंड्स हेपेटाइटिस बहुत से टाइप्स के होते हैं, तो इसको है आप कैसे पता करोगे या कैसे आप डिटेक्ट करोगे कि हेपेटाइटिस कौन से टाइप्स का है, तो इसके लिए है हेपेटाइटिस मोस्टली है फ्रेंड्स लीवर की डिजीज बोल सकते हैं, लीवर जो है हेपेटो होता है लीवर, हेपेटाइटिस यानी लीवर का इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन एबनॉर्मलिटीज है, लीवर की डिजीज है, लीवर की कंडीशन है, तो उसको हेपेटाइटिस जो डिजीज होती है वो लीवर की होती है, फर्स्ट बात तो ये रह जाती है। उसके बाद में ये आता है कि पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस कौन सा होता है, लीवर की डिजीज तो है मान लिया बात, पर ये चारों के चारों लीवर की है, तो इसमें से ऐसी कौन सा है हेपेटाइटिस जो कि पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल मतलब ट्रांसफ्यूजन कर दिया है, यानी मोस्टली ट्रांसफ्यूजन से आप क्या समझते हो फ्रेंड्स, इसके अंदर अपन ये समझ सकते हैं कि पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल दिया है यानी ट्रांसफ्यूज करने के बाद में, तो मोस्टली ट्रांसफ्यूज करने के बाद का अगर अपन सोचें तो ब्लड प्रोडक्ट जो होता है वो ट्रांसफर करने के बाद में जो हेपेटाइटिस होता है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। ओके, तो यहाँ पे है अपन इस चीज को स्पेशली ध्यान रखना होगा कि कौन सा हेपेटाइटिस किस वजह से होता है, मैं आपको अभी सरफेसली एक बार बताऊंगा, लिख नहीं सकता यहां पे, आप मेरी वॉइस पे ध्यान दीजिएगा तो थोड़ा बहुत आपका इंट्रो हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको इस चीज का इफेक्ट जरूर मिलेगा, जब भी आप खुद सेल्फ स्टडी करोगे एक बार सुना हुआ होगा तो आपको है इजिली समझ आ जाएगा। तो चलिए अभी आपको बता देते हैं इसके बारे में कि पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस कौन सा होता है, तो पहले तो अपन राइट आंसर की बात करते हैं, वो जाता है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस होता है वो हेपेटाइटिस सी होता है। ये फ्रेंड्स इसके अंदर क्या होता है ये एक बात और बता देते हैं आपको, एक चीज का ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन आता है ऑल ओवर हेपेटाइटिस है वो आरएनए टाइप्स के होते हैं, आरएनए डीएनए अपने सुना होगा बायोलॉजी के अंदर, अगर साइंस से अपन नहीं थे जीएनए वाले तो फ्रेंड्स और भी आपने नर्सिंग के अंदर डीएनए आरएनए एनाटॉमी के अंदर कहीं सुना होगा, एनाटॉमी फिजियो के अंदर,
ऑल ओवर हेपेटाइटिस होता है आरएनए टाइप्स का होता है एक्सेप्ट ए बी को छोड़ के, ये क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स, फिर से ध्यान रखना। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो वीडियोस को सुन के क्वेश्चन आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं आपके सामने वीडियो है तो आप इसी को पढ़ो। इसके अलावा एक क्वेश्चन पे 5 क्वेश्चन कम से कम सोल्व करवाते हैं फ्रेंड्स अपन यहाँ पे, तो 5 क्वेश्चन को आप लिख सकते हो, उसका रिविजन आपका अच्छा हो जाएगा। तो ऑल ओवर हेपेटाइटिस में से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस नेचर ऑफ डीएनए, डीएनए नेचर का जो सब हेपेटाइटिस दिए हुए इनमें डीएनए टाइप्स का नेचर का हेपेटाइटिस कौन सा होता है, तो वो होता है हेपेटाइटिस बी, जो कि डीएनए टाइप्स का होता है। ओके, और जो हेपेटाइटिस होते हैं ये सब के सब आरएनए टाइप्स के रहते हैं। एक क्वेश्चन ये आपका सबका यहाँ पे सोल्व हो जाता है। अभी अपन और बात करते हैं हेपेटाइटिस सी के बारे में। तो ये क्या होता है, ये पेरेंटल जो है रूट से होता है, पेरेंटल रूट यानी पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल, यानी ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो पेरेंटल रूट ही मोस्टली यूज में लेते होंगे, तो ये ब्लड प्रोडक्ट है मोस्टली उससे होता है। ओके, ये क्वेरी आपकी सोल्व हो गई। अभी अपन बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस ए के बारे में। तो हेपेटाइटिस ए क्या होता है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बोलते हैं फ्रेंड्स इसको। तो इसके अंदर होता क्या है, ये आरएनए नेचर का होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बी को छोड़ के ऑल ओवर हेपेटाइटिस आरएनए नेचर का होता है। और ये फैलता कैसे है, ये ओरो और फिकल रूट, ओरल और फिकल रूट से है ये हेपेटाइटिस ए फैलता है, जो कि इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस होता है, आरएनए टाइप्स का होता है, ओरो फिकल रूट से फैलता है हेपेटाइटिस ए। ओके, आशा करते हैं समझ आ गया होगा। चलिए बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की। हेपेटाइटिस बी क्या है, इसको बोलते हैं सीरम हेपेटाइटिस, सीरम हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, और ये आपको अब की मैंने बताया था डीएनए टाइप्स का होता है। डीएनए टाइप्स का हेपेटाइटिस कौन सा होता है, एकमात्र हेपेटाइटिस बी है जो डीएनए टाइप्स का होता है। और ये फैलता कैसे है, ये ब्लड प्रोडक्ट की वजह से फैल सकता है, ट्रांसफ्यूजन की वजह से, या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से भी फैल सकता है। ये स्पेशली आपको और ध्यान रखना होगा, ब्लड प्रोडक्ट अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो फैल सकता है, अगर सेक्सुअल मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर वगैरह होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैल सकता है। ओके, तो ये हो गया हेपेटाइटिस बी। अब बता देते हैं आपको जनरली हेपेटाइटिस डी के बारे में। हेपेटाइटिस डी के बारे में बताते हैं, तो ये भी फ्रेंड्स होता क्या है, ब्लड और सेक्स के थ्रू, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू और ब्लड के थ्रू ये फैलता है हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी होता है, इसको डेल्टा हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। ओके, इसको डेल्टा हेपेटाइटिस भी बोलते हैं और आरएनए टाइप्स का होता है। ओके, तो आशा करते हैं आपको ऑल ओवर हेपेटाइटिस की जो डिटेल्स दी है आपको एक बार याद हो गया होगा। आरएनए टाइप्स का हेपेटाइटिस ए सी और डी होता है, डीएनए टाइप्स का हेपेटाइटिस बी होता है। अब एक हेपेटाइटिस और रिमेनिंग रह जाता है, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ई, इसकी बात भी यहीं कर लेते हैं, आपको कुछ रिमेनिंग नहीं बचेगा आपके है, हर एक थ्योरी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्लियर हो जाएगी। तो हेपेटाइटिस ई की बात करते हैं, हेपेटाइटिस ए क्या होता है, ये फिको ओरल रूट से होने वाला हेपेटाइटिस होता है, जो कि फिको है, फिको ओरल रूट से होता है। और इसके एग्जैक्ट सेम बोलें तो हेपेटाइटिस ए के बराबर का या ए के जैसा ही हेपेटाइटिस सी होता है, ई होता है सॉरी। ओके, तो यहाँ अगर पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस सी होता है, ये पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस होता है। आशा करते हैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। आज मैं थोड़ा वीडियो को फ्रेंड्स धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कमेंट आ रहे हैं कि सर 5 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, लग जाने दीजिए, क्योंकि अभी हमारे एग्जाम के लिए थोड़ा टाइम है, तो आप स्लो बोलें थोड़ा, तो हमें है ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि आपकी वॉइस बहुत फास्ट रहती है तो हमें कुछ समझ नहीं आ पाता। तो मैं धीरे धीरे बोल के आज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, साफ साफ जितना हो सके क्लियर लिखने की कोशिश कर रहा हूं, एक एक वर्ड को धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि आप नोट भी कर सकते हो इसको। ओके, तो यहां राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कंसिडर्ड एज गुड फॉर आईज,
फ्रेंड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी नीचे दिए गए जो विटामिन हैं ये कंसिडर्ड शामिल किया गया है गुड फॉर आईज, आईज के लिए अच्छा है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो अपने आईज के लिए हेल्पफुल होता है, आईज से रिलेटेड डिजीज होती है उससे प्रिकॉशन उसको बचाता है, या आई रिलेटेड जो भी एबनॉर्मलिटी होती है उससे अपने को प्रोटेक्ट करता है, ऐसा कौन सा जो है विटामिन होता है। विटामिन बहुत से टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, पर ऐसा आपको विटामिन देखना है जो मोस्टली आईज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हर एक विटामिन का एक परफेक्ट काम होता है। ओके, तो ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन के, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन ए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करूँ तो वो जाता है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। विटामिन ए है ये आई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मोस्टली, जिसको अपन क्या बोलते हैं रेटिनोल बोला जाता है फ्रेंड्स। जो अपना ए होता है विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनोल विटामिन। ओके, तो ये मोस्टली है आई के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला जो है विटामिन होता है। विटामिन बी होता है इसको बोलते हैं फ्रेंड्स थायामीन, थायामिन विटामिन बी को बोला जाता है। ओके, और विटामिन के होता है इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा क्योंकि इसका एक इंजेक्शन आता है जिसके ऊपर साफ सपाप इसका ही नाम लिखा होता है, तो आपको है कंफ्यूज नहीं होना है। इसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन है वो बोलते हैं विटामिन के को। फाइलोक्विनोन के नाम से इंजेक्शन आता है जो कि जो ब्लीडिंग जिसके हो रही है तो उसको इंजेक्ट किया जाता है ब्लीडिंग से प्रिकॉशन करने के लिए। एक नियोनेट जो बेबी होता है आफ्टर जस्ट बर्थ उसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर है, लीवर इमेच्योर होता है जिसके वजह से उनके ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उस टाइम भी उसको है आफ्टर जस्ट आफ्टर बर्थ जो है विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। तो उसके ऊपर आप देखोगे तो उसके ऊपर फाइलोक्विनोन लिखा हुआ होता है। ओके, विटामिन के साथ में। अब बात करते हैं विटामिन सी, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड यानी खट्टे जो फल होते हैं, खट्टी कोई भी चीज होती है उसके अंदर मोस्टली विटामिन सी पाया जाता है। ओके, तो कंसिडर्ड कौन सा किया गया है आईज के लिए, क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर जाता है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑलमोस्ट मैंने विटामिन से रिलेटेड है आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है, आशा करते हैं आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की। विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड इन टाइफॉइड, फ्रेंड्स टाइफॉइड है इसके अंदर कौन सा बॉडी का जो पार्ट है ऑर्गन है वो अफेक्ट होता है। टाइफॉइड क्या होता है फ्रेंड्स, पहले ये बात कर लेते हैं कि टाइफॉइड होता क्या है। आपको है आराम से सुनना है हर एक चीज को, अभी आप क्वेश्चन को सुनने में अगर एक मिनट की जगह डेढ़ मिनट दे रहे हो तो आपको इस चीज का बेनिफिट कहीं ना कहीं जरूर होने वाला है। आप वीडियो को डायरेक्ट क्वेश्चन देख के विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड इन टाइफॉइड देख लेते हो, अच्छा ये आंसर है ठीक है क्लिक नेक्स्ट। ऐसे करने से आप भले ही अपने आप को संतुष्टि दे सकते हो, खुश हो सकते हो कि मैंने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, इनकी टेस्ट सीरीज सब सोल्व की है, इनके वीडियोस सब देखे हैं, पर ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। क्वेश्चन मैं 10 करवाऊंगा, यहाँ पे आपके सामने 10 क्वेश्चन ही टाइपिंग के अंदर आएंगे और मैं आपको अप टू 15 क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन कवर कराऊंगा, सॉरी 50 क्वेश्चन यहाँ पे प्लस जो है प्लस 50 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करवाता हूँ क्योंकि हर एक वर्ड के अंदर छोटा छोटा क्वेश्चन बन रहा है जो कि कहीं ना कहीं अपने को हेल्पफुल होता है, तो आपको सुनना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर ऐसा होता तो मैं है ऐसे PDF वगैरह सेट करके इसके अंदर यस का निशान लगा के कि ये आंसर सही है ये निशान लगा के डायरेक्ट भी अपलोड कर सकता था ताकि आप जो है इजिली पढ़ सकते हो। ओके, तो आपको इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी और देखते हैं इसके बारे में कि हेपेटाइटिस जो है टाइफॉइड जो है ये किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है। ऑप्शन ए है लंग्स, ऑप्शन बी है इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी है लीवर और ऑप्शन डी है पैंक्रियाज। तो यहाँ फ्रेंड्स इंटेस्टाइन होती है इसको मोस्टली अफेक्ट करता है टाइफॉइड। टाइफॉइड क्या होता है, ये साल्मोनेला टाइफी होता है, अभी आप ध्यान रखना, ध्यान से आप थोड़ा सुनना है इसके बारे में। साल्मोनेला टाइफी और एक होता है साल्मोनेला पैराटाइफी, एक होता है साल्मोनेला टाइफी, एक होता है साल्मोनेला पैराटाइफी। साल्मोनेला पैराटाइफी या टाइफी जो होता है ये टाइफाइड कोज करवाता है, ये टाइफाइड जो होता है ये इसका कॉजेटिव एजेंट अपन बोल सकते हैं, और टाइफाइड को एक अदर नाम से भी जानते हैं। अगर आपको पता हो तो इसको है
इंट्रेक फीवर भी बोलते हैं, इंटेरिक फीवर भी इसको बोला जाता है, टाइफॉइड को। ओके, ये होता क्यों है फ्रेंड्स? टाइफॉइड होता है, अभी अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन टाइफॉइड से रिलेटेड दे दी जाएगी तो आप इजिली इसमें से, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप क्वेश्चन का ऑप्शन इजिली चूज कर दोगे। तो अभी सुनिए, टाइफॉइड होता क्यों है? ये होता है कंटामिनेटेड फूड और वाटर को अगर कंज्यूम कर रहा है पर्सन तो उसको टाइफॉइड होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से होता है। साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी का कॉजेटिव एजेंट होता है। टाइफॉइड को इंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। ये मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दिया है टाइफॉइड से रिलेटेड। अभी आप मेरे को है, आप चूज करिए अपने हिसाब से, अपने जो है ईमानदारी से, कि कौन सा आंसर आपके हिसाब से राइट जाना चाहिए, क्योंकि ये वाटर और फूड की वजह से होता है। तो आशा करते हैं मैंने जो आपको बताया है, किसी को नहीं पता होगा तो मेरे जो बताने की हिंट की वजह से आपका आंसर राइट गया होगा, जो कि ऑप्शन बी रहने वाला है, इंटेस्टाइन। क्योंकि फ्रेंड टाइफॉइड है फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर के कंज्यूम करने की वजह से होता है। तो ये मोस्टली सबसे पहले तो इंटेस्टाइन को ये अफेक्ट करेगा, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर ये अपना जो है जो खाना खाते हैं वो इसके अंदर ही जाता है, तो वहाँ के जो पार्ट्स होते हैं सबसे पहले उसको अफेक्ट करता है। ओके, तो यहां पे राइट आंसर जाता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए फ्रेंड बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डेंजरियस कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग इंडक्शन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया इज। फ्रेंड्स आपको एक चीज का और ध्यान रखना है यहां पे कि कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया से। ऐसे याद रख सकते हो कि स्पाइनल अगर एनेस्थीसिया दिया जाता है तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन इसमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशन के अंदर बहुत सारे आते हैं फ्रेंड्स, अपने को एक स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन है जो है स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से देखने को मिलता है। एनेस्थीसिया बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जनरल एनेस्थीसिया होता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है। जनरल एनेस्थीसिया के अंदर क्या होता है कि होल ओवर बॉडी है उसको है एनेस्थेटिक इफेक्ट के अंदर ले आते हैं, होल ओवर बॉडी को। ओके, और स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या करता है, डिपेंड करता है कौन से ऑर्गन की सर्जरी करनी है। मान के चलो ओनली लोअर पोर्शन या लोअर बॉडी पार्ट की सर्जरी करनी है किसी पार्ट की, तो अपन है लोअर साइड जो होता है सैक्रम साइड, लंबर साइड, यहां पे जो है अपन स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। अब मान के चलो एब्डोमन की अगर सर्जरी करनी है तो ऊपर थोरेसिक जो रीजन होता है, थोरेसिक पार्ट पे अपन जो एनेस्थीसिया दे सकते हैं, जिसकी वजह से जिस साइड से अपन इंजेक्शन दे रहे हैं। अपने को एक चीज और थ्योरी थी आप ध्यान रखना, हो सकता है आपके माइंड के अंदर ऐसा क्वेश्चन आए ऐसे। फ्रेंड्स ये अपना हेड साइड है, ये फुट साइड है, ये अपना है स्पाइनल कॉर्ड है ना। तो अपने को अगर यहां इंजेक्शन देंगे तो आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स इससे नीचे का पार्ट ही है एनेस्थेटिक इफेक्ट के अंदर क्यों आएगा, ऊपर का क्यों नहीं आता? क्योंकि यहां अगर इंजेक्ट कर रहे हैं तो ऊपर का भी तो जाना चाहिए ना। कभी कभी या तो ऐसा होना चाहिए कि ऊपर भी है इसका इफेक्ट जाना चाहिए या फिर नीचे ही क्यों जाता है, ये आपके क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड के अंदर। तो फ्रेंड्स इसके पीछे एक लॉजिक होता है, अगर अपन ने जो है यहाँ पे अगर एनेस्थेटिक जो ड्रग्स है वो इंजेक्ट की है तो आपने सुना होगा या देखा होगा जो नर्व इम्पल्स जो होती है ना वो सुन क्यों होती है, उसका फंक्शन प्रॉपरली क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर क्या होता है, जो फंक्शनिंग जो नर्व होती है उसका नर्व सेंसेशन जो है लोअर साइड के अंदर जो है फंक्शन करने बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपको इफ्रेंट और एफ्रेंट नर्व बताई थी आपको एक दिन, जिसके अंदर सेंसरी नर्व है ये ब्रेन की तरफ जाती है, मोटार नर्व है ये ब्रेन की तरफ से आती है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर क्या करेंगे, अगर यहाँ इंजेक्ट कर रहे हैं तो नीचे का पार्ट इसलिए अफेक्टेड जो है इसके अंदर आता है कि सेंसेशन यहाँ से बन रहे थे ना, लगने की वजह से सेंसेशन बन के ब्रेन की तरफ जा रहे थे, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे इफेक्ट दे देगा, जिसकी वजह से जो सेंसेशन जा रहे थे सेंसरी नर्व के थ्रू वो प्रॉपरली फंक्शन ही नहीं करेगी, वो फंक्शन करना बंद कर देगी, जिसकी वजह से ब्रेन के पास है इफेक्टिव इम्पल्सेस नहीं जाएगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, और ये सब का सब जो ये डिपेंड करता है ये नर्व के ऊपर जो डिपेंड करता है। ऐसे नहीं कि पेशेंट को अगर पैर ऊंचे करके हेड साइड को नीचा करके अगर कर दिया जाए, अपोजिट कर दिया जाए स्टैंडिंग से, तो हो सकता है हेड साइड के तरफ जो है एनेस्थेटिक इफेक्ट आए, नॉर्मल आ सकता है। फ्रेंड्स बिल्कुल से ऐसा कुछ नहीं रहता, क्योंकि अभी अपन ने है स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद अपन देखते हैं सडन से डॉक्टर जो है उसको सुपाइन पोजिशन के अंदर ले आता है पेशेंट को,
क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स वो ऐसा इफेक्ट नहीं है कि भाई ऐसा नहीं हो कि ज़्यादा ड्रग्स चली जाए नीचे की साइड में या ऊपर की साइड में या कोई और इफेक्ट हो, वो लॉजिक ऐसे होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं जो वर्टिब्रा होती है उसको अगर अपने इम्पेयर कर रहे हैं तो वहाँ से जो फ्लूड वगैरह होता है स्पाइनल फ्लूड वो अगर थोड़ा सा भी बाहर आता है लेयर से तो वह आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिसकी वजह से बैक पेन है आपको होता रहता है लॉन्ग टाइम तक और हेडेक सबसे बड़ी इसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर आता है। ओके तो हो गया फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज जो है आपको मैंने जनरली बता दी है क्योंकि अभी है अपना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, अभी है अपन जस्ट जल्दी ही आपके लिए लाइव क्लास शुरू करेंगे तो व्हाइट बोर्ड पर आपकी स्टार्ट कर देंगे तो वहाँ लिखने की अपने को बिल्कुल से प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपके हर एक क्वेश्चन का सवाल भी वहाँ मिल जाएगा। लाइव क्लास अपन करेंगे तो लाइव क्लास के अंदर भी आपको बिल्कुल से प्रॉब्लम 1% भी नहीं होगी। ओके तो फ्रेंड्स इसका अगर राइट आंसर की बात करेंगे कि स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से कौन सी कॉम्प्लिकेशन मोस्टली देखने को मिलती है तो ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन ए है हाइपरथर्मिया, ऑप्शन बी है ब्रेडीपनिया और ऑप्शन सी है टेकीपनिया और ऑप्शन डी है हाइपोटेंशन। हाइपरथर्मिया यानी बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है फ्रेंड्स अप टू 105 डिग्री फॉरेनहाइट। ब्रेडीपनिया के अंदर क्या होता है जो रेस्पायरेशन रेट है वो बिल्कुल से लो हो गई है, टेकीपनिया के अंदर क्या होता है रेस्पायरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये तीनों के तीनों इफेक्ट स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से नहीं होता, हाइपोटेंशन होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया का मोस्ट कॉमनली कॉम्प्लिकेशन के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैंने अभी बताया स्पाइनल एनेस्थीसिया ऐसे इंजेक्ट किया उसके बाद जो है ये लोअर साइड जो होता है प्रॉपरली फंक्शन लॉस कर देता है, सेंसेशन इसके लॉस हो जाते हैं जिसकी वजह से है यहाँ का ब्लड जो है प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो पाता, प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेट भी नहीं हो पाता और यहाँ के जो मसल्स होती हैं वो भी क्या होती है एनेस्थेटिक इफेक्ट के अंदर आने की वजह से क्या है प्रॉपरली उसका जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होता, जो कि वाल होती है वेन की वॉल वो रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड को आगे की तरफ फॉरवर्ड करने के लिए, तो वो वहां पे नहीं होता और सिड्यूशन इफेक्ट की वजह से है अपना जो नर्वस सिस्टम जो होता है वो अफेक्टेड हो जाता है जिसकी वजह से प्रॉपरली जो है बॉडी है कंपनसेट नहीं कर पाती। इसलिए जो एनेस्थेटिक जो है स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद में एनेस्थेटिक जो डॉक्टर होता है ये इस चीज को बार बार मॉनिटर करता है बीपी को, ओके बीपी ग्लूकोज को तुरंत जो है ड्यूरिंग सर्जरी चेक करता रहता है। तो यहां पे राइट आंसर की अगर बात करूं तो डी ऑप्शन राइट जाता है। बात करता हूं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 की। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 आई पर्सन विथ नो साइन ऑफ डिजीज बट इट मे ट्रांसमिटेड द डिजीज इज कॉल्ड। फ्रेंड्स एक पर्सन है जो साइन नहीं दिखा रहा है, उसके अंदर कोई साइन नहीं दिख रहे हैं कि इसके अंदर डिजीज है, बट वो पर्सन है एक से दूसरे पर्सन के अंदर डिजीज फैला सकता है स्प्रेड कर सकता है, तो वो किसके अंदर आता है कि वो ऐसा पर्सन कि भाई खुद के अंदर तो लक्षण है नहीं और किसी और को अफेक्ट भी कर रहा है, किसी को पता भी नहीं चलता अपने पास में कोई बैठा है उसको कोरोना है और उसको है खुद के लक्षण नहीं दिख रहे उसके अंदर कोरोना के, नहीं अपने को दिख रहे हैं, नहीं खांस रहा है, नहीं फीवर है, कुछ भी नहीं है, हालांकि उसको कोरोना है। मेन बात यह है उसको खुद को ही नहीं पता होगा, अपने को नहीं पता, किसी को नहीं पता इसको कोरोना है, अगर वो अपने पास आया तो अपने को भी ले बैठा, अपने को भी अफेक्टेड कर दिया, अपने को तो जनरली उस चीज का पता ही नहीं था कि ये अफेक्टेड है फिर भी अपने को जो है इसने डिजीज ट्रांसमिट कर दी, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए है एलर्जिक पर्सन, ऑप्शन बी है इम्यून पर्सन, ऑप्शन सी है रेसिस्टेंट पर्सन और ऑप्शन डी है कैरियर पर्सन। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो सभी का राइट जाएगा कैरियर पर्सन होता है। कैरियर होता है फ्रेंड्स वाहक जो एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का जो है भेजने का काम करता है, कैरियर बोल दो या कोरियर बोल दो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है वो कैरियर होता है, और पर्सन यानी जो फैला रहा है तो कैरियर पर्सन वो हो गया जो डिजीज को फैला रहा है ओनली उसके अंदर लक्षण वगैरह नहीं देख पा रहे हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 की। बोन डिफॉर्मेशन कैन अकर ड्यू टू लैक ऑफ। फ्रेंड्स बोन डिफॉर्मेशन है किसकी वजह से देखने को मिलता है, किसकी कमी की वजह से बोन डिफॉर्मेशन आपने को देखने को मिलता है? तो ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है फॉस्फोरस और ऑप्शन डी है
ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ अपने को सभी को पता है कि जो ऑल ऑफ दीज है ये मोस्टली होता है, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट तो जो है बोन के लिए होते ही होते हैं। अगर कैल्शियम फॉस्फेट ना हो, कैल्शियम फॉस्फोरस ना हो, तो बोन है स्ट्रॉन्गेस्ट बोन नहीं बन पाती है। ओके, तो ये तो मोस्टली होते हैं। विटामिन डी भी बोन के लिए, मेचुरेशन के लिए बहुत ज़्यादा, कैल्शियम को डिपोजिशन के लिए, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो ऑल ऑफ दीज इज अ राइट आंसर। कैल्शियम, विटामिन डी और फॉस्फोरस होते हैं बोन को मैच्योर करने में, स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैंसर एक्सेप्ट वन। जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं ये सब के सब कैंसर के टाइप्स हैं, सब कैंसर हैं एक को छोड़ के। ऑप्शन ए ल्यूकीमिया, ऑप्शन बी है कार्सिनोमा, ऑप्शन सी है सार्कोमा, ऑप्शन डी है ग्लूकोमा। तो आपको जनरली पहले इसका आंसर बता देता हूँ। एक्सेप्ट दे रखा है कि ग्लूकोमा इसके अंदर है, कैंसर नहीं है ये। ल्यूकीमिया कैंसर है, कार्सिनोमा कैंसर है, सार्कोमा कैंसर है, ल्यूकीमिया कैंसर नहीं है। तो यहाँ राइट आंसर जाएगा ल्यूकीमिया। ओके, अभी आपको है इसकी थ्योरी थोड़ी क्लियर करवा देते हैं कि ल्यूकीमिया किसकी कैंसर है, कार्सिनोमा किसकी कैंसर है और सार्कोमा किसकी कैंसर है। तो ल्यूकीमिया जो कैंसर होता है ये वाइट ब्लड सेल्स होती है फ्रेंड्स, उसका अगर कैंसर है उसकी सेल्स का तो वो होता है ल्यूकीमिया। ओके, अब मोस्टली कन्फ्यूजन क्या होता है फ्रेंड्स, कार्सिनोमा और सार्कोमा ये दो ऐसी चीज है जो अपने को हर बार कंफ्यूज करती है। कार्सिनोमा कौन सा होता है, सार्कोमा कौन सा होता है, अभी आपको बताते हैं। कार्सिनोमा कौन सा होता है, सार्कोमा कौन सा होता है, इजीली आप याद रख पाओगे आशा करते हैं। इसके अंदर आपको याद रह रखना है कि सार्कोमा होता है ये सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं उसको फैलता है, एस से सार्कोमा, एस से सॉर्ट सॉफ्ट टिश्यूज, आप याद रखेंगे सॉफ्ट टिश्यूज। ओके, और ये है फ्रेंड्स कार्सिनोमा। कार्सिनोमा है बड़ा नाम है, इसलिए एपिथेलियम नाम भी बड़ा है, एपिथेलियम बड़ा है। और जनरली आपको ऐसे बता देते हैं कि कार्सिनोमा है ये इपिथेलियम का टिश्यू है, इपिथेलियम नाम बड़ा होता है ध्यान रखना। कार्सिनोमा सार्कोमा है ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव नाम छोटा है इसलिए सार्कोमा भी छोटा है, इपिथेलियम बड़ा वर्ड है तो कार्सिनोमा भी बड़ा है। ओके, और सी का ई बना सकते हो आप इजली कि सी का ई बनता है, इसलिए एपिथेलियम टिश्यू का जो कैंसर होता है वो कार्सिनोमा होता है, सेकंड वाला अपने आप बच जाएगा। अभी आपको और इससे रिलेटेड थोड़ी थ्योरी क्लियर करवा देते हैं, कार्सिनोमा से रिलेटेड बात कर लेते हैं। ये इपिथेलियम का टिश्यू का कैंसर होता है, इपिथेलियम टिश्यू ये क्या करता है, इंटरनल लाइनिंग होती है जो ऑर्गन्स की, इंटरनल ऑर्गन लाइनिंग होती है उसको अफेक्ट करता है, उसको स्प्रेड करता है। और उसको मोस्टली जो बात करते हैं तो लीवर और किडनी जो होती है उसकी इनर सरफेस होती है उसको ये मोस्टली अफेक्ट करता है। और एपिथेलियम का होने की वजह से इनर मोस्ट जो लाइनिंग होती है होल ओवर बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो एपिथेलियम की ही बनी होती है। ओके, तो इपिथेलियम को अफेक्ट करती है कार्सिनोमा, जो कि ऑर्गन्स के इनर मोस्ट जो लाइनिंग होती है उसको अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं सार्कोमा की, कि सार्कोमा क्या है। ये फ्रेंड्स कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसकी कैंसर होती है। इसके अंदर अगर बात करूं तो सॉफ्ट टिश्यूज आता है, बोन आती है इसके अंदर, और इसके अंदर आती है मसल्स और ब्लड वेसल्स, ये जो होते हैं ये सब के सब आते हैं सार्कोमा, यानी कनेक्टिव टिश्यूज का कैंसर होता है उसके अंदर। ओके, तो ये फ्रेंड्स आपकी यहाँ पे थ्योरी है, जहाँ तक हो सकी क्लियर करवाने की कोशिश की है। क्वेश्चन के अंदर एक्सेप्ट था इसलिए ग्लूकोमा कैंसर का पार्ट नहीं है, इसलिए ग्लूकोमा को अपने यहाँ पे निकाल दिया है। ओके, तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर प्लीज़ समझ आए हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और जो है अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो डेली की जो इन्फॉर्मेशन आती है, डेली के वीडियो क्वेश्चन प्रैक्टिस आती है, उससे आप बच जाओगे क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अगर बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपकी स्क्रीन है फोन की स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे ही अपन वीडियो अपलोड करेंगे या लाइव आएंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, सबसे पहले आप पढ़ सकते हो, इस चीज का आपको बेनिफिट मिल सकता है। ओके, तो अभी है जल्दी अपन लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अपने एक अपलोड कर रखी है अभी लेटेस्ट, और जो सीआरपीएफ एग्जाम पैटर्न के हिसाब से और अपलोड करेंगे, और
डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस अपना ऐसा ही चलता रहेगा, और जो लेटेस्ट नर्सिंग की वैकेंसी आती है उस पर स्पेशली ध्यान रखना फ्रेंड्स। जो भी वैकेंसी आती है उसका पूरा वीडियो डिटेल्स के साथ में लिंक है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन अपने को इसी चैनल के ऊपर मिलेगी। तो आपको है हमारे साथ फर्स्ट लेके एंड तक जुड़े रहना है हर बार, आज की बात नहीं है, क्योंकि भविष्य में कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, जॉब लगने के बाद भी नर्सिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो लेना अपना काम होता है। किसी ने पूछ लिया कि आप नर्सिंग फील्ड से हो ये जानकारी दो, तो अपन क्या इन्फॉर्मेशन देंगे उसको, है ना। अपना प्रोफेशन है ये, इसलिए अपने साथ जुड़े रहना है। और प्लीज जितना समझ नहीं आता मेरे को क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स इतने कमेंट आते हैं कि सर आपका वीडियो है बेस्ट है, आपने बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। फ्रेंड्स आप कमेंट कर देते हो, व्यूज जाते हैं जो है 1000 प्लस चले जाते हैं व्यूज, तो फ्रेंड्स इतने लाइक क्यों नहीं आते, मेरे को ये समझ नहीं आता लाइक करने में जाता क्या है, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो फ्रेंड्स आज जो है थोड़ा मेरी बात को ध्यान से रखना, देखते हैं मेरी बात पे आप कितना ध्यान देते हो। आज जो जितने भी पर्सन देख रहे हैं प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो, अगर वीडियो पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी लाइक या डिसलाइक जरूर करो, है ना। ओके फ्रेंड्स, तो ये आज का वीडियो था आपके लिए, क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन भी रख दिया है, नहीं तो फ्रेंड्स बहुत सारे कमेंट आएंगे सर फालतू की बातें बहुत ज्यादा करते हो। फ्रेंड्स फालतू की बातें नहीं है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं, बहुत सारे आपको फालतू की लग रही है, वीडियो देखेगा 1000 प्लस पर्सन देखेंगे जिसके अंदर ऑलमोस्ट मान के चलो 50% ऐसे होंगे जो बोलेंगे फालतू की बातें हैं, और जो 950% जो पर्सन है 950 बंदे हैं वो तो यही बोलेंगे इफेक्टिव है सर, हमें मोटिवेशन मिला है या कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला है, 5 मिनट भी जाया कर रहे हैं फ्रेंड्स किसी की फालतू की नहीं कर रहे, नहीं तो मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं आपके जो है फालतू का आपका टाइम वेस्ट करूं, क्योंकि फ्रेंड्स आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस चीज को समझ सकता हूं, मेरा काम यह नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट करने का। ओके, तो दिल से मत लगाइएगा, अपन जो है यहां पे नर्सिंग वाले हैं, हैप्पी हैप्पी रहना अपना काम है। ओके, तो हैप्पी रहना और जो है हैप्पी रखना ये अपना काम है, तो आपको बिल्कुल से टेंशन नहीं लेना सर क्या बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, आपको क्वेश्चन का आंसर दे देना है कमेंट के अंदर, ABCD कभी की तरह लिखना नहीं है, क्योंकि अब अभी तो पुराने मेंबर हो गए हैं अपन, तो नया मेंबर है उसके लिए बार बार डेली बताना पड़ता है, मुझे पता है जो ओल्ड मेंबर हैं वो तो बिल्कुल से इसका आंसर ही लिखते हैं। पोलियो इज ट्रांसमिटेड थ्रू, आपको कमेंट के अंदर है आंसर लिखना है, पोलियो किसके थ्रू ट्रांसमिटेड होता है, ऑप्शन आपको नहीं देने हैं, ऑप्शन ए है फ्रूट, ऑप्शन बी है इन्फेक्शन, ऑप्शन बी है फूड और ऑप्शन डी है वाटर, तो आपको है इसका एक ऑप्शन है कमेंट के अंदर कर देना है। ओके, और अगर आपको मैथ रीजनिंग जीके साइंस की हिंदी इंग्लिश की क्लासें भी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर HP जीके मैथ रीजनिंग के नाम से चैनल है अपना सेकेंड, उसके ऊपर डेली करंट अफेयर का जो जीके है उसका मैथ रीजनिंग के ट्रिक के साथ में ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन, ऑल ओवर एक्स्ट्रा जो वेटेज क्वेश्चन रखने वाले हैं उनकी सब का वीडियोज वहां पे मिलेंगे, तो अभी जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए कि हम सर इस चैनल पे भी आ गए हैं। ओके, तो यहां भी चलता है वहां भी चलता है, दोनों जगह चलेंगे अपने, और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, बस चाहते ये हैं आप जल्दी से जॉब लग जाओ, और जिस दिन जॉब लग जाओ एक कमेंट जरूर कर देना ताकि आपकी पोस्ट जो है आपकी फोटो है हम भी लगा सकें कि ये हमारे जो फ्रेंड्स हैं ये हमारे मेंबर्स हैं जो कि आज यहां पे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे सिलेक्टेड है। तो चलिए फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, बहुत हो गया क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, आपका मोटिवेशन मिल गया तो बहुत है, नहीं मिला तो फ्रेंड्स खुद को मोटिवेशन करने के बिना काम नहीं चलेगा, दूसरे के मोटिवेशन से कब तक काम चलाओगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद फ्रेंड्स, ऐसी तैयारी करते